हेलो दोस्तों, एमआरसी टेक्नीशियन में फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका दोस्त अब्दुल आलम। आज का जो हमारा वीडियो है ये अपना मेन डेल्टा स्टार पावर सर्किट का वीडियो है, ठीक है। इसके बारे में बहुत सारे दोस्त लोग हमको बोल रहे थे कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए कि आपका डेल्टा स्टार का कनेक्शन कैसे होता है। तो हमने सोचा कि चलिए आज आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं। अब इसको क्या कहते हैं, चलाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, स्टार और डेल्टा को कंट्रोल करने के लिए अपना कंट्रोल वायरिंग किया हुआ रहता है। तो कंट्रोल वायरिंग कभी और बताएंगे, क्यों एक ही वीडियो में बताएंगे तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज हम पावर वायरिंग के बारे में हम आपको वीडियो बता देते हैं। जैसा देख रहे हैं स्टार डेल्टा पावर सर्किट वायरिंग कनेक्शन, ठीक है। तो उस आप जब कहीं भी मोटर के पास जाएंगे या चिलर के पास गए जो स्टार डेल्टा कनेक्शन किया हुआ है, तो उसका जो पैनल बॉक्स एरिया रहेगा तो उसमें आपको तीन कॉन्ट्रेक्टर आपको मिलेगा, ठीक है। एक मेन कॉन्ट्रेक्टर है, एक डेल्टा कॉन्ट्रेक्टर है, ये एक स्टार कॉन्ट्रेक्टर है, ठीक है। मेन, डेल्टा और स्टार। तो अभी ये तीन कॉन्ट्रेक्टर हमको मिल गया। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए थ्री फेज का ये मोटर है, तो इसके अंदर से छह लीड निकला हुआ रहता है, ठीक है ना। इसके अंदर से छह लीड निकला हुआ रहेगा, लेकिन इसमें तीन वाइंडिंग है, टोटल तीन ही वाइंडिंग है। अपना क्या होता है कि मोटर के अंदर जो है बड़ा मोटर रहता है ना, छोटा मोटर तो डायरेक्ट थ्री वाइंडिंग निकला रहता है, डायरेक्ट कनेक्शन कर सकते हैं थ्री फेज। लेकिन क्या है, बड़ा कैपेसिटी का मोटर है तो उसमें क्या होता है कि छह वाइंडिंग, और खास करके स्टार और डेल्टा कनेक्शन करने के लिए हमें छह लीड की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर लेकिन ये वाइंडिंग एक ही, आप देख रहे हैं जैसा कि ये अंदर में कॉइल बंद करके ये एक बगल से निकला U1 अपना U2, ठीक है। ये आपका राउंड होते होते ये एक वाइंडिंग मिलेगा, एक आपको दूसरा सिरा ये मिलेगा। जब आप कंटिन्यूटी में चेक करेंगे, पहचानने का तरीका क्या है कि अभी आपको मालूम नहीं है सामने मोटर मिल गया, तो आप चेक करें, आप एक का कंटिन्यूटी सेट पॉइंट में सेट करके किलोमीटर में आप एक पॉइंट को यहाँ पे रखें और दूसरा को आप चेक करेंगे। इसमें चेक करेंगे तो आपको वैल्यू नहीं मिलेगा, इसमें चेक करेंगे तो आपको रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन इससे और इससे आप चेक करेंगे तो आपको कंटिन्यूटी दिखाएगा, जितना रेजिस्टेंस होगा उतना मिलेगा। तो हमको मालूम चल गया कि ये वाला जो वाइंडिंग है एक है, ये दोनों वाइंडिंग दोनों सिरा जो है हमारा एक है। इसी तरह से आप सबको फाइंड आउट कर लें। अब हो गया, अब इसमें क्या है कि हमको कनेक्शन करना है, स्टार कनेक्शन करना है। सबसे पहले हम स्टार कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक हमारा मेन मान लीजिए थ्री फेज सप्लाई आ रहा है, तो ये सप्लाई मान लीजिए आगे ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये सप्लाई आगे जा रहा है, ये सप्लाई आगे जा रहा है। वीडियो को लास्ट देखें आपको समझ में आ जाएगा, बीच में छोड़ देंगे तो समझ में नहीं आएगा। अगर आपको पूरा इसका अच्छा जानकारी चाहिए तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें, तो बाकी आपकी मर्जी है। अपना ये देखिए रेड फेज जो है, रेड फेज को हम यहां पर डाल देते हैं, ये हमारा रेड फेज आ गया। दूसरा येलो फेज है, येलो फेज ये जा रहा है, येलो फेज हो गया। तीसरा हमारा ब्लू, तो ये हमारा ब्लू फेज है, देखें लिखे हुए हैं रेड येलो ब्लू, ठीक है। ये तीनों फेज को हम इंक्लूड कर दिए। ये लाइन वन है, लाइन टू है, लाइन थ्री है। इसी तरह से टनल का जो सेकंड सिरा सेकंड पार्ट निकलता है T1 T2 T3। अब मेन कॉन्ट्रेक्टर में क्या होता है, कभी भी ओवरलोड रिले आपको लगाया हुआ रहेगा, एक पहचानने का भी तरीका। अभी फुल कनेक्शन बताएंगे तो वो खुद मालूम चल जाएगा मेन कॉन्ट्रेक्टर और डेल्टा और स्टार कौन है। लेकिन बट आपको क्या है कि ऐसे नॉर्मली देखने के लिए मेन वाला कॉन्ट्रेक्टर में जो है ओवरलोड रिले लगाया रहता है कि किसी तरह से कुछ प्रॉब्लम हो तो ये हमारा मोटर सेफ हो जाए, क्योंकि ज्यादा कॉस्टली आता ना, इसलिए ओवरलोड रिले हम लोग यूज करते हैं सेफ्टी पर्पस, एज ए सेफ्टी डिवाइस इसको बोला जाता है, सेफ्टी डिवाइस यूज करते हैं। ये हो गया। तो सबसे पहले हम क्या है, इसमें U1 में हम अपना रेड फेज को डाल दिए, ठीक है। दूसरा हमारा येलो फेज आ रहा है, दूसरा हम येलो फेज में ये आपका V1 के पॉइंट पे डाल दिए, ठीक है। दूसरा वाइंडिंग के सिरे पे डाल दिए हम कितना येलो फेज को। ब्लू फेज जो हमारा आ रहा है, ये जो हमारा ये एक वाइंडिंग पे डाल दे डाउन में। अभी हमको अगर स्टार कनेक्शन में अगर मोटर को चलाना है, ठीक है, एक मिनट, स्टार कनेक्शन का हम ऑलरेडी एक वीडियो बनाए हैं जो डायरेक्ट मोटर का कनेक्शन किए हैं, कंडेंसर फैन मोटर का, वो अपना स्टार कनेक्शन था।
तो उसमें छह डेट था, तो तीन को फाइंड आउट करके कंटिन्यूटी चेक करके तीन को आप ट्विस्ट कर दीजिए शॉर्ट करके और तीन को आप ये करिए। तो स्टार कनेक्शन में क्या होता है, ये हमारा रेड है, रेड येलो ब्लू। तो आप जो मोटर के पास आपको छह वाइंडिंग जो मिल रहा है ना, उसमें क्या करना है, U1 वाला पॉइंट पे जो एक मतलब छह वाइंडिंग का एक पॉइंट पे क्या करते हैं, रेड को फेस में यहाँ डाल दिए U1 पे, वाई को V1 पे डाल दिए और ब्लू को W1 पे डाल दिए। तब U1 का दूसरा सिरा U2 है, U2 V2 W2 ठीक है, ये तीनों को हम आपस में शॉर्ट कर देंगे। ये हमारा हो गया स्टार कनेक्शन। तो अभी यहां पर अगर हम ये तीनों को आपस में शॉर्ट कर लेते हैं तो ये हमारा मोटर रनिंग लेगा, लेकिन स्टार कनेक्शन में, लेकिन हमको डेल्टा कनेक्शन भी करना है ठीक है। तो हम वो बताते हैं, तो स्टार कनेक्शन तो आप जान लेंगे कैसे होगा स्टार कनेक्शन के लिए। तो हमारा ये जो हमारा जो वायर है इसको हम सीधा क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। ये हमारा स्टार कनेक्शन है ना, स्टार कनेक्शन शॉर्ट कर दिए। अब इसका एक वाइंडिंग जो है हम लेके आ गए रेड फेज को यूट्यूब पे, रेड फेज ही हमारा जो है U1 पे आया है, जो फेज हम इधर लिए हैं वो फेज ही हम इधर लेंगे ठीक है। दूसरा हमारा ब्लू फेज जो है हमारा इधर पे ब्लू फेज V1 पे आया है, इधर से ब्लू फेज हम जो है V2 पे ले लेंगे ओके। दूसरा हमारा ये जो है सॉरी येलो फेज है, येलो फेज हमारा V2 पे आया है, इधर से भी येलो फेज ही हमारा जो है V1 पे आया है। अभी W1 पे कौन सा फेज आया है, हमारा ब्लू फेज आया है, तो W2 पे भी हमको ब्लू फेज चाहिए, तो ब्लू फेज हम W2 पे लेते हैं ठीक है। ये हो गया, अब क्या कहते हैं, ये स्टार कनेक्शन हो गया। अभी हमको डेल्टा कनेक्शन करना है। तो डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है कि ये हमारा फर्स्ट वाइंडिंग है, ये पहला वाइंडिंग जो है दूसरा वाइंडिंग का लास्ट सिरा से कनेक्शन इसका होता है ठीक है। ये जैसे ये U1 और ये U2, ये एक वाइंडिंग का फर्स्ट सिरा, ये दूसरा सिरा हो गया ना। तो हमारा ये जो दूसरा वाइंडिंग है ना, दूसरा वाइंडिंग का लास्ट सिरा मतलब U1 से V2 कनेक्ट होगा ठीक है। उसी तरह से ये V1 V2 है, तो V1 का जो है इसका तीसरा वाइंडिंग का लास्ट सिरा, तो V1 का जो है W2 से कनेक्ट हो गया। इसी तरह से ये W1 का जो वाइंडिंग बचा, ये W1 का जो है इसको हम कनेक्शन किससे करेंगे, V2 से, इसका वाइंडिंग का इसका लास्ट सिरा। तो ये हमारा हो गया डेल्टा कनेक्शन। तो सेम यहां पर हम डेल्टा कनेक्शन अब कर देते हैं। पहले तो हम इसमें फेज ले लेते हैं, रेड फेज, ये रेड फेज हो गया, दूसरा येलो फेज हो गया, ये हमारा ब्लू फेज दे दिए, तीनों फेज हमको मिल गया। अब देखते हैं कि हमारा U1 पे कौन सा फेज आया है ठीक है ना। U1 पे हमारा फेज जो है रेड फेज आया है ठीक है। तो U1 का जो वाइंडिंग है वो किस पे गया है, V2 पे। तो हम यहां भी कनेक्शन कर सकते हैं, यहां मोस्टली कनेक्शन होता नहीं है, कनेक्शन हम टर्मिनल के पास करते हैं। तो यहां पे जो हमारा ये जो पॉइंट है, ये रेड फेज हमारा U1 है, तो इसका जो है हम लेके आ जाएंगे V2 पे, समझ गए, ये हमारा V2 पे आ जाएगा U1 फेज, क्यों U1 पे हमारा रेड फेज आया हुआ है ना। तो रेड फेज यहां से हम लिए और इसको हम डाल दिए स्टार का जो कॉन्टेक्टर है उसका V2 पोजीशन पे, मतलब फेज हो गया येलो ठीक है। अब उसके बाद हमारा दूसरा कौन सा आ रहा है, दूसरा V1, तो V1 का कहां पे जा रहा है, V1 का W2 पे जा रहा है। इसका जो फेज है W2 ये है, तो यहां कनेक्शन ना करके हम लोग तीसरा वायर हम लोग यहां करते हैं ओके, वहां हो गया। अब बच गया हमारा कौन सा, ब्लू फेज, मतलब ब्लू फेज हमारा कौन सा है, ये ब्लू फेज जो हमारा आ रहा है W1। तो ये W1 का कनेक्शन किधर जा रहा है, W1 का जो डेल्टा कनेक्शन में जा रहा है, W1 यहां से निकल करके ये हमारा U1 का U2 पॉइंट पे जा रहा है। तो ये हम निकालें यहां से, ये हमारा सीधे जो है ये पॉइंट जो हमारा U2 ठीक है। इस तरह थोड़ा सा इसको डेल्टा कनेक्शन को आपको माइंड में रखना होगा, याद में, बाकी स्टार तो ईजी है, डेल्टा थोड़ा याद रखना होगा। इस तरह से आप लूपिंग करके कनेक्शन कर सकते हैं। ये स्टार और डेल्टा का जो हो गया ये पावर कनेक्शन हो गया ठीक है। अब इसको चलाने के लिए कंट्रोल कनेक्शन होता है, कंट्रोल कनेक्शन हम किसी दूसरे वीडियो में बताएंगे, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये हमारा पावर कनेक्शन है, इस तरह से आप कनेक्शन को कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए आप अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के पास अपना शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें।